उर्स फजल हक, तमाम आसिका ने ओलिया और तमाम फजल हक बाबा के चाहने वालों को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारक हो। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। आज हम आ चुके हैं हजरत फजल हक बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पाक पर, क्योंकि दोस्तों आज से आपका उर्स पाक स्टार्ट हो रहा है। 25 सफ़र को हर साल आपका उर्स पाक मनाया जाता है। इस साल भी उर्स पाक है, पर लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से मस्जिद समेत ही उर्स पाक मनाया गया है। पर दोस्तों फैज उतना ही बट रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जगह ही कुछ अलग है। नक्शबंदी सिलसिले के आप बुजुर्गान दीन हैं और हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाके आपकी निस्बत मिलती है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी से जाके आपकी निस्बत मिलती है। वैसे तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, और इनका जितना हम धोराजी वाले शुक्रिया अदा करें उतना कम है। क्योंकि दोस्तों एक वक्त के अंदर ये कोरोना महामारी क्या है, उससे भी ख़तरनाक महामारी थी, फ्लैग की बीमारी यहाँ पर आई थी। दोस्तों वो बीमारी को आपने सर्व किया और इस दुनिया से पर्दा किया, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ा। तो दोस्तों आज मेरी आप लोगों से एक ख़ास गुजारिश है कि आप मज़ार पाक की ज़्यारत करो, तो एक दुआ ख़ास करना फजल हक बाबा के पास। आज आपको एक अर्ज करनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल हक बाबा की ज़रूर सुनेगा और अल्लाह इस मर्ज को पूरी दुनिया से दूर कर दे। तो मेरी आप लोगों से ख़ास एक गुजारिश है कि आप ये दुआ ख़ास करें और मज़ार पाक की ज़्यारत करो, तो जो भी आपकी जायद तमन्ना हो, मुराद हो, इंशाअल्लाह मांग लेना। अल्लाह इनके सदके तुफेल से ज़रूर आपकी तमन्ना मुराद जो भी है वो पूरी कर देगा। दोस्तों तो आज आप यह एक छोटा सा वीडियो देखकर तसल्ली कर लेना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं फुल आपको उर्से पाक की ज़्यारत कराऊंगा और आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये दरबार की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। दोस्तों ये बहुत नूरानी दरबार और बहुत सुकून वाली जगह है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको उर्से पाक का फुल नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों तो रही ज़िंदगी, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। मेरे दोस्त असलम और आपके दोस्त इमरान को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।